डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्रम मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल और ये आता है एजाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। एजाइल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, इवन ऊपर सुजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार उसको भी जरूर पढ़ लेना ताकि आपको पहले एजाइल के बारे में पता लग जाए और फिर उसके अंदर जो वेरियस टेक्नोलॉजीज आती हैं लाइक स्क्रम आता है, क्रिस्टल आता है, एफडीडी आता है, एक्सपी आता है, तो ऐसी इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है आपका स्क्रम मॉडल। और इसका जो आईडी है ना वो स्क्रम का, वो कहाँ से लिया है, वो रग्बी गेम से लिया है। जैसे रग्बी में क्या होता है कि एक फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, जो ओपोनेंट है, जो टीम्स है, वो आपस में इस तरीके से हेड डाउन करके एक पोजिशन में होते हैं ताकि हम बॉल को ले सकें, जो बॉल है उसको हम कैप्चर कर सकें। तो इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि जो एक तरह से डेवलपर्स हैं वो आपस में हेड डाउन करके इस तरीके से फॉर्मेशन में है, मतलब काइंड ऑफ जो आइडिया यहां से लिया है और किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े जो है प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, ये एक तरह से इसका आइडिया लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री वाले यूज नहीं कर रहे। स्क्रम मॉडल को अगर हम बात करें, चाहे रिसर्च की बात कर लो, सेल्स की बात कर लो, मार्केटिंग, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, मैक्सिमम कंपनीज आर यूजिंग दिस मॉडल फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years। काफी ये अडॉप्टेड है, काफी वाइडली यूज जो है, तो ये आपका मॉडल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्क्रम इज अ लाइट वेट आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो यहाँ पे लाइट वेट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं है, आइट्रेटिव एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और इंक्रीमेंटल मॉडल है। इसी वजह से काफी कंपनीज, अगर हम बात करें, गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन, ये तो यूज कर ही रही है। साथ साथ जैसे HSBC बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, मतलब जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, सेल्स है, मार्केटिंग है, वो लोग भी इसको कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे हैं। स्क्रम के अंदर जो मेन आइडिया है वो क्या है कि स्क्रम ब्रेक डाउन द डेवलपमेंट फेजेस इनटू द स्टेजेस और साइकिल कॉल्ड स्प्रिंट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्प्रिंट। तो देखो, जैसे हम स्प्रिंट, अगेन ये वर्ड भी कहां से लिया हुआ है, जैसे एक तो होती है मैराथन, मतलब जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे किलोमीटर्स आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक दौड़ना है और उसमें टाइम का जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, टाइम होता है, लेकिन आपको स्पीड जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें स्प्रिंट की, तो उसेन बोल्ट, आपने डेफिनेटली उनके बारे में सुना होगा, तो उसेन बोल्ट का अगर हम बात करें तो उसमें है क्या, 100 मीटर ही दौड़ना है सिर्फ। तो 100 मीटर तो इजीली कोई भी दौड़ सकता है, लेकिन आपको उस 100 मीटर में कितने किलोमीटर का दम लगाना पड़ेगा, मतलब 100 किलोमीटर को आपको 9 या फिर 10 सेकंड तक आपको खत्म करना है। तो आपको पता है कि इतने कम टाइम में, इतने कम सेकंड में आपको इस जो है 100 मीटर को दौड़ना, मतलब आपको कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट जो है वो लगाने हैं। तो वही चीज यहां पे, तो इसीलिए टाइम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है यहां पे कि आपको लिमिटेड टाइम में, टाइम बाउंडेशन है, उसी में काम को खत्म करके देना है। The development time for each sprint is maximized and dedicated, thereby by managing only one sprint at a time. मतलब एक sprint को पहले खत्म किया जाता है, क्योंकि iterative है ना, एक sprint को पहले खत्म किया जाता है। और sprint को खत्म करने, sprint क्या है, duration of time है और उसके अंदर जो काम कर रहे हैं। अब sprint का generally time लेते हैं ये 2 weeks से 1 month तक, मतलब 2 week तक, और या फिर maximum आपका 1 महीने तक एक sprint होनी चाहिए। जब वो complete हो गई उसके बाद उसको review करना stakeholders के साथ, meeting करके देखना कि भैया ये काम हुआ है और जो भी रिव्यू में चेंजेस है उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में लेके आना और फिर नेक्स्ट जो है वो स्प्रिंट को डिजाइन करना। तो इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट फेजेस जो है वो काम करता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्क्रम टीम हैज स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर विद कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन ऑन द डेली बेसिस। तो स्क्रम में अगर हम बात करें तो देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बैकलॉग की। बैकलॉग क्या है, ये कीवर्ड्स देखो, इसके अंदर कीवर्ड्स काफी पॉपुलर ना, आपको इन केस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछ लें तो इन्हीं के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में पूछेंगे। तो बैकलॉग क्या है, एक तरह से बैकलॉग एक तरह से एक फॉर्म है, एक जगह है जहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक हमें डिजाइन करना है वो चीज मेंशन की हुई है। चाहे क्लाइंट की बात कर लो, स्टेक होल्डर्स की, डेवलपर्स, उन्होंने आपस में मीटिंग करके कि भैया बनाना क्या है, कैसे बनाना है, वो चीज बैकलॉग में डिजाइन है। उसके बाद क्या होता है, डेली स्क्रम। डेली स्क्रम क्या है, एक तरह से 10 से 15 मिनट की मीटिंग है डेली बेसिस पे, जो कि पहले डेवलपर्स और
साथ में क्या होते हैं उसके स्टेक होल्डर्स, उनके साथ डिस्कस करके कि भैया ये चीज चल रही है, ये काम ऐसे कर रहे हैं, और फिर डेवलपर अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है और फिर उसके बाद क्या होता है वो काम को एक तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें वो वाला फंडा नहीं है, एजाइल में भी मैंने बताया था, इसमें वो फंडा नहीं है कि एक टीम लीडर है, बाकी सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सबॉर्डिनेट टीम लीडर से काम लेते हैं और काम करते जा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पे टीम लीडर ठीक है होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह से वो भी टीम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के बंदे हैं। तो एक तरह से सारे लोग जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है। इसी वजह से यहाँ पे फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, काम करने की फ्रीडम है और एडेप्शन भी है। मतलब कि मेरे पास अगर कोई आइडिया, मैं लो लेवल पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को फ्रीली दे सकता हूँ और हो सकता है वो जल्दी से इंप्लीमेंट भी हो जाए। देन स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर एक तरह से क्या है कि आप कह सकते हो कि मॉनिटरिंग, जो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है, टीम को भी हैंडल कर रहा है और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है, जो क्लाइंट है उनके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, और क्लाइंट को हम यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर भी बोल देते हैं। तो ये बेसिक सी कहानी है आपकी जो है स्क्रम मॉडल की। देन अगर हम बात करें एडवांटेजेस, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्रीडम है, एडेप्शन है, नई नई चीज़ों को एडेप्ट करने का कहीं ना कहीं आइडिया है। देन हाई क्वालिटी एंड लो रिस्क प्रोडक्ट बनाना ही इसकी मेन एडवांटेज है। देन अगर हम बात करें रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम अप टू 40%, मतलब ये जो है जैसा कि आपको बताया कि स्प्रिंट, मतलब आपको पहले स्प्रिंट आ गया, दो हफ्ते का काम है, वो जल्दी से कंप्लीट करना दो हफ्ते के अंदर ही, और उसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंट के ऊपर वर्क करना। जब नेक्स्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो पीछे का कोई लेना देना नहीं है, वो चीज ऑलरेडी डन हो चुकी है। उसी अगर इनके कोई पेंडिंग स्क्रम है, कोई पेंडिंग काम रह गया, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे काम होता है। देन स्क्रम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑब्वियसली यार, हर डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग हो रही है, तो स्क्रम मास्टर उनको चीजों के बारे में बता रहा है, और जब एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है तब डेमोंस्ट्रेट किया जाता है कि भैया ये चीज ऐसे हुई है, इस चीज को हम इस तरीके से बना रहे हैं, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे ली जाती है। देन रिव्यूइंग द करंट स्प्रिंट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट, रिव्यू करो पहले को, जो चेंजेस करने हैं उसको नेक्स्ट में लेके आओ, ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक गलती हो गई तो वो नेक्स्ट में भी रिपीट होते होते बड़ी गलती में कन्वर्ट होगी, तो उसी को पहले में ही खत्म करना जरूरी है। देन डिसएडवांटेज की बात करें तो ठीक है, हमने सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ये मॉडल जो है वो बहुत बड़ी टीम के ऊपर वर्क करना कहीं ना कहीं ईजी नहीं है, स्मॉल टीम के ऊपर वर्क करना ईजी है, क्योंकि बड़ी टीम में कहीं ना कहीं आपको एक हेड के अंदर सबॉर्डिनेट, उसके अंदर जैसे होता है ना कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल कह लो, फिर उसके बाद डिफरेंट एचओडीज हैं, एचओडीज के आगे फिर डिफरेंट प्रोफेसर्स आ गए, प्रोफेसर के साथ एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं ना कहीं हायरार्की बन जाती है। यहाँ पे हायरार्की वाला काम ही नहीं है, यहाँ पे सारे इक्विवेलेंट है, सारे ऑन स्टेज जो है वो एक तरह से एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मॉल टीम के ऊपर वर्क करना ईजी है। देन नो चेंजेस, मतलब एक बार स्प्रिंट बन गया उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ उसको रिव्यू करके नेक्स्ट वाले स्प्रिंट में आप कहीं ना कहीं उन चेंजेस को लेके आ सकते हो, लेकिन जो एक चीज बन गई वो कहीं ना कहीं रिजिड है। तो ये एडवांटेजेस कह लो, डिसएडवांटेजेस कह लो, लेकिन जो है वाइडली यूज, बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्क्रम। थैंक यू।